जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान की कृपा के कौन कौन से संकेत होते हैं, वो कौन से संकेत हमें मिलते हैं जिससे कि हमें ये पता लगे कि हम पर वाकई में भगवान की कृपा है, और अगर नहीं है भगवान की कृपा तो हमें वो कौन से उपाय करना चाहिए बहुत फ्री में सरल तरीके से, जिससे भगवान की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे और हमारे घर में कभी धन का अभाव नहीं हो, कभी तनातनी झगड़ा या विवाद नहीं हो, हमारे बच्चों की उन्नति हो, घर में सब लोग स्वस्थ रहें और कुल मिलाकर एक जीवन खुशहाली और आनंद से भरा रहे। तो उसके कौन से संकेत हैं, पहले तो संकेतों पर हम बात करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है कि संकेतों के बाद यदि मान लो इनमें से कोई संकेत आपके साथ नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम पर भगवान की कृपा हो पाए, क्योंकि हर एक जातक मुझे कई दिनों से बहुत कमेंट्स इस विषय को लेकर आते हैं कि पंडित जी आप बताओ भगवान की कृपा के संकेत क्या है, भगवान की कृपा के लिए हम क्या करें, किस तरह से करें। हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, हम तो भगवान को हर पल याद रखते हैं और सब कुछ चीज़ें करते हैं, पर भगवान की कृपा हम पर है या नहीं है, और कई सारी इस विषय को लेकर एक मन में भ्रांतियाँ बनी हुई है। तो आज उन सभी भ्रांतियों को खत्म कर देंगे, आज उन सभी भ्रांतियों का आपको सही जवाब मिल जाएगा और उसके साथ साथ ही आपके जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर आप अग्रसर होंगे। तो वीडियो को हम आगे और चर्चा को थोड़ी सी आगे ले जाएं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके जीवन में कोई आप तकलीफ़ या परेशानी से गुजर रहे हैं या कोई भी अनिश्चितताओं से गुजर रहे हैं तो अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं और सीधे आप बाहर आ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात है कि जब भी हमें सपने में भगवान के दर्शन हो, मतलब जैसे पुराने मंदिरों के दर्शन होना, पुराने शिवलिंग जो बहुत पुराने हज़ारों साल के जो मंदिर हैं, ऐसे कई सारे मंदिर हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन होना, तो ये सीधा सा एक प्रभाव समझ जाएगा कि आप पर ईश्वर की बहुत कृपा है, क्योंकि ईश्वर जिस भी व्यक्ति के सपने में आके दर्शन देते हैं उन व्यक्तियों के वो सभी कष्ट हर लेते हैं और कष्ट हरने के साथ साथ ही उन पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, इस धरा में आया है, चाहे मैं हूँ आप हो कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति पर बाबा भोलेनाथ की बहुत बहुत कृपा है, तभी तो हम इस धरती पर आए हैं। तो अपने मन से ये जो एक भ्रांति है, जो एक माइंड सेटअप हमने बना लिया कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है, हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमारे साथ तो ये होता है वो होता है, इन सभी चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। अगर आप नेगेटिविटी को लेकर अपने दिमाग में चलेंगे तो कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नेगेटिविटी को आज अभी इसी वक्त ही निकाल दें और खुद को फील गुड करवाएं और यह खुद से कहें कि मुझ पर ईश्वर की बहुत कृपा है। जैसे आप ये बात खुद को समझाएंगे तो आपका माइंड सेटअप पूरा सकारात्मक हो जाएगा और जहाँ सकारात्मकता आपके साथ होगी समझ जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है। तीसरी बात है कि हमेशा अपने गुरु का, अपने इष्ट मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि गुरु और इष्ट मंत्र में बहुत शक्ति और ताकत होती है, ये बात सर्वविदित है। तो यही तरीके हैं दोस्तों, यही बातें हैं जिससे आप ईश्वर की कृपा को जान सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करें, ओम नमः शिवाय।